राहुल गांधी को किसी भी तरह से माफी मांगने की जरूरत है ही नहीं। ये सवाल उठाना ही अपने आप में एक अपराध है। ये सवाल उठाना ही एक व्यक्ति को अपमानित करना है। तो आप राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा करिए। आप अगर ये कह रहे हैं राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं कि भाई हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारा माइक बंद कर दिया जाता, कि राहुल गांधी ये जो है झूठ बोल रहे हैं, ये बात सही नहीं है, गलत है, तो आप मुकदमा करो ना राहुल गांधी के खिलाफ। तो आप करिए ना मुकदमा। नहीं करेंगे आप मुकदमा। क्या राहुल गांधी ने जाके देश में 70 साल में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये कहा जाके कभी विदेश में? अगर राहुल गांधी जी कांग्रेस में बड़े अच्छे अच्छे वकील हैं, वो जरा ढंग से इंटरप्रेट करें, पता लग जाएगी मुकदमा इन लोगों के खिलाफ जो बकवास कर रहे हैं इनके खिलाफ हो जाएगा। राहुल गांधी की माफी से सर आप क्या समझते हैं, क्या लगता है आपको कि माफी मांगनी चाहिए? नहीं, मैंने तो आपको पहले भी कह दिया राहुल गांधी के माफी मांगने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है। राहुल गांधी द्वारा कोई ऐसा काम किया ही नहीं गया जिसमें माफी मांगे। अगर माफी मांगनी है तो जो वो भक्त जिनकी भक्ति कर रहे हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। क्या राहुल गांधी ने जाके देश में 70 साल में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये कहा जाके कभी विदेश में? और न जाने कितनी पूरी जो वहां पे जितने भी इन्होंने अपनी तरफ से नौटंकी की है, जो मीटिंगें बड़ी बड़ी जो वहां मीटिंगें दिखाई गई हैं, भारतीयों को इकट्ठा करके जो सब कुछ किया गया है उसमें जितने भाषण हैं और वहां जो भी चीजें, क्योंकि मीडिया को तो फेस करने की हिम्मत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। सो जिन मीटिंगों में कहा गया है उन मीटिंगों की सारी रिकॉर्डिंग निकाल के एक एक का आकलन कर लीजिए, एक एक की जांच कर लीजिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाए। तो किया है, इतना किसी ने कभी नहीं किया। राहुल गांधी ने तो कुछ भी नहीं कहा। लेकिन सर समित पात्रा तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी मौजूदा राजनीति के मीर जाफर हैं। इनको ABCD पता नहीं लोकतंत्र की, संविधान की, मतलब इनका नाम लेके आप ये बात करते हो यार। इनका सवाल देना भी मैं समझता हूं अपने आप में एक बड़ी अजीब सी स्थिति होगी। लेकिन जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो टिप्पणी किया है उसको लेकर के सर आप अपना पर्सनली ओपिनियन क्या देना चाहते हैं? क्या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो टिप्पणी की है बताओ मुझे, पहले मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ क्या टिप्पणी की है इन्होंने कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। बिल्कुल, तो इसमें गलत क्या है? जिस देश का प्रधानमंत्री संविधान को धता बताते हुए लोकतंत्र की तमाम मर्यादाओं को अपमानित करता हो, शर्मसार करता हो, वहां लोकतंत्र खतरे में नहीं है। मैंने पहले भी कहा था आपकी टीवी पर, आपके चैनल पर कहा था, फिर कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो की जा रही है, खुद अपनी पार्टी में जो उनकी में लोकतंत्र था वो खत्म कर दिया। देश के लोकतंत्र को जिस तरह से मजाक बनाया है वर्तमान प्रधानमंत्री ने, ऐसा कभी किसी ने नहीं बनाया। क्या है पार्लियामेंट की परंपरा, क्या है संसदीय परंपरा, क्या है लोकतंत्र की परंपरा, क्या है लोकतंत्र की परंपरा है कि इसमें स्वस्थ आलोचना समालोचना विचार विमर्श होना चाहिए। हो रहा है क्या? अगर कोई भी सरकार के विरोध में कोई बात करता है या विरोध की छोड़ो कि सरकार की गलत नीतियों को अगर जनता के सामने लाता, उसको जो है जेल में बंद कर देते हैं, UAPA लगा देते हैं, NS लगा देते हैं। सर वायनाड से चुनाव जीते हैं, हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीते, क्या लोकतंत्र का वो नहीं है? किसका? ये केवल एक छोटी सी परंपरा है जो चुनाव जीतने की बात आप कर रहे हो हुआ, लेकिन बाकी उसमें चुनावों में किस तरह की धांधली की गई क्या आपको मालूम नहीं है? और क्या लोकतंत्र को तहस नहस कर दिया गया जब इलेक्टोरल बॉन्ड के विषय में आज तक किसी को यह पता नहीं लग पा रही कि कितने पैसे कितने दिए हैं, क्यों है यह सब कुछ, ये सीक्रेसी क्यों है, पता लगने में क्या दिक्कत है? भाई किस बिजनेसमैन ने, किस व्यक्ति ने, किस कॉरपोरेट घराने ने सरकार को या अन्य विपक्षी पार्टियां हैं उनको कितने पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दिए, यह बात पता लगने में दिक्कत क्या है किसी को भी? क्या इससे लोकतंत्र को खतरा नहीं है कि एक ही पार्टी को 80-90% जो है पैसा मिल रहा है, और कौन दे रहा है पता नहीं, और उनको जो लोग दे रहे हो उनको सरकार ने कितना बेनिफिट दिया है पता नहीं, पता नहीं लगनी चाहिए सारी चीजें, पता लगनी चाहिए। और क्या जिस तरह से सरकार कृषि कानून लेकर आई और बाद में 13 महीने जब आंदोलन चला उसके बाद उसने वापस लिए, क्या खत्म करने की कोशिश नहीं की गई? क्या देश के लोकतंत्र संविधान को खत्म करने की कोशिश नहीं की जा रही कि मजदूरों से संबंधित जो कानून है उनको पूंजीपतियों के पक्ष में, उद्योगपतियों के पक्ष में लगातार सरकार ने कर दिया, कितने ही जो कानून खत्म कर दिए गए और उनको एक कोड में लाके इकट्ठा कर दिया, क्या नहीं है ये सारी चीजें?
लेकिन सर ये कहना कितना सही होगा कि जो बोलने का मतलब जो है माइक ऑफ कर दिया जाता है, हमें बोलने नहीं दिया जाता है, विपक्ष आवाज को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी जी भी उतना ही बोलते हैं सदन के अंदर में। भाई अगर राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से इस बात में कोई तो तथ्य होगा, तो आप राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा करिए। आप अगर ये कह रहे हैं राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं कि भाई हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारा माइक बंद कर दिया जाता, कि राहुल गांधी ये जो है झूठ बोल रहे हैं, ये बात सही नहीं है, गलत है, तो मुकदमा करो ना राहुल गांधी के खिलाफ। आज तक तो नहीं किया ना आपने? राहुल गांधी तो ये बात कई महीनों से बोल रहे हैं ना, कई महीनों से बोल रहे ना, अपनी पूरी यात्रा में उन्होंने बोला, तो आप करिए ना मुकदमा। नहीं करेंगे आप मुकदमा। तो ये जो जबरदस्ती की जा रही है, ये सारी चीजें लोकतंत्र को खत्म करने के, और लोकतंत्र को खत्म करने की बात, देश का जो लोकतंत्र है, देश का जो संविधान है, उसको खत्म करने की बात, कि प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसी भी धर्म को मानते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जिस धर्म को मानते हैं सरकारी खर्चे पर उस धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, क्या है ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या ये? राहुल गांधी पीएम बनने के लिए जो है जाकर के विदेश में ये राहुल गांधी को पीएम बनने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं, अब का यही सबर सारा काम हो जाएगा, बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी, पता लग जाएगी 2024 के जो चुनाव हैं, और बीजेपी वालों के पास इस तरह की बेहुदा बातें करने के अलावा दूसरा कोई काम है नहीं। और ये सब कुछ, ये सब कहीं बोलते रहो, पब्लिक में बोलो, कहीं जो मन में आता है बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमित शाह जी की बातों से भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क पड़ेगा अमित शाह की बात? राजनीति का चाणक्य क्या है? चाणक्य वो राजनीति का, हारे नहीं है क्या चुनाव? हारे नहीं है क्या बताओ? चुनाव हारे नहीं है क्या? हारे हैं ना चुनाव? और आप येन केन प्रकार भ्रष्टाचार में लिप्त होकर भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करके और उनको भ्रष्टाचार से मुक्त करने की सारे सर्टिफिकेट आप बांट के आप कहते हो आप बड़े बड़े चाणक्य हैं, मतलब आप कहते हैं बड़े चाणक्य, ये क्या चाणक्य बना यार? अगर इसको सोफिस्टिकेटेड भाषा में बोल देते हो तो इसे कहते हैं तानाशाही है भाई, ये तो इतना ही तो फर्क है भाई, और क्या है? सो किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो संविधान के नियम है, जो संविधान की व्यवस्थाएं हैं, जो संविधान में दिए हुए प्रावधान हैं, देश उसी के हिसाब से चलेगा, किसी के कहने से नहीं चलेगा। तो आप फाइनली बता दीजिए राहुल गांधी को माफी मांगने वाले सप्ताह आपके? बिल्कुल भी नहीं, राहुल गांधी को किसी भी तरह से माफी मांगने की जरूरत है ही नहीं। ये सवाल उठाना ही अपने आप में एक अपराध है, ये सवाल उठाना ही एक व्यक्ति को अपमानित करना है, और मैं समझता हूं ऐसे में ऐसे लोगों के खिलाफ अगर राहुल गांधी जी कांग्रेस में बड़े अच्छे अच्छे वकील हैं, वो जरा ढंग से इंटरप्रेट करें, पता लग जाएगी मुकदमा इन लोगों के खिलाफ जो बकवास कर रहे हैं इनके खिलाफ हो जाएगा। कोई जरूरत किसी तरह की नहीं है, कोई अपराध नहीं किया।